इस समय ढकवा नगर पंचायत के भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर यहाँ पर बात है, सबसे मेरा प्रणाम है। मैं दिनेश कुमार गौतम, पूर्व प्रधान इब्राहिमपुर, भाजपा से मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद का। ठीक, इस समय आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको इस ढकवा नगर पंचायत में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं? जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो समस्याओं को भी सुनते होंगे, तो क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता? उनका मुद्दा है अभी रास्ते का, कुछ मुद्दा है उनका है, आवास का है, नाले का है। ढकवा नगर पंचायत जो हमारा हुआ है, माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी ने नगर पंचायत ढकवा को बनाया है, और मैं उनके चरणों में श्रद्धा का अर्पित करता हूँ। इसको नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करूँगा। आप अगर यहाँ से चुनकर जाते हैं, आपको यहाँ ढकवा नगर पंचायत की जनता यहाँ से चुनकर भेजती है और विजयी बनाती है, तो आप नगर पंचायत की जनता के लिए कौन से विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे? उत्तर प्रदेश में यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो योजना है हर गरीब घर तक मैं पहुँचाने का काम करूँगा। आपको क्या लगता है कि जो इस समय तमाम घोषणाएं दी गई हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको कैसा सहयोग या कैसा मैसेज हुआ है, कैसा सहयोग मिला है? अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनता खुश है। उनके जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जो योजना है, हमारे मंत्री जी की जो योजना है, जो सांसद जी की योजना है, सबको मैं सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो लोग संतुष्ट हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी है, हम लोग को विकास मिला है, विकास मिलेगा, और आगे भविष्य में सोच रहे हैं कि सरकार अच्छी है, अच्छी काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है। अगर आप जीतते हैं जी, तो सबसे पहले जनता के लिए कौन सा पहला काम करना चाहेंगे? जनता के लिए सबसे पहले मैं उनको आवास देने का काम करूंगा, घर पर जाने के लिए रास्ते का काम करूंगा, उनका नाले का काम करूंगा। यही उनका जो सरकार की योजना, जो प्रधानमंत्री की योजना जो आएगी, जो मुख्यमंत्री की योजना है, हर गरीब व्यक्ति को उनके घर तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा, कोई व्यक्ति छूटने ना पाए। धन्यवाद।